देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यमुना का जल स्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नदी के किनारे कुछ स्थानों पर निचले स्तर की बाढ़ आ सकती है, लेकिन गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है। बता दें कि इससे पहले जुलाई में भारी बारिश के दौरान यमुना ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अपने उच्च स्तर 208.65 मीटर पर पहुंच गई थी, जिसके कारण दिल्ली के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी और लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जल स्तर 204.50 मीटर के चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट के अनुसार पुराने रेलवे ब्रिज पर जल स्तर सोमवार दोपहर 3 बजे 203.48 मीटर से बढ़कर मंगलवार शाम 6 बजे 204.94 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं रात 8 बजे जल स्तर 205.12 मीटर तक पहुंच गया है। मौजूदा जल स्तर 205.39 मीटर यानी खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह भी नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार ही है। इस बीच दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नदी के किनारे कुछ स्थानों पर निचले जल स्तर की बाढ़ आ सकती है, लेकिन गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है। इससे पहले सोमवार को हरियाणा के यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज पर प्रवाह दर सुबह 9 बजे बढ़कर 75,000 क्यूसेक हो गई, जो 26 जुलाई के बाद सबसे अधिक रही। CWUC के 5 दिवसीय बाढ़ पूर्वानुमान दिल्ली सरकार के अधिकारी और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी ने कहा कि हम जल स्तर के इस मामले पर नज़र रख रहे हैं। जल स्तर बढ़ सकता है, लेकिन गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है। बता दें कि मध्य जुलाई में राजधानी और पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण 13 जुलाई को यमुना नदी रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक पहुंच गई थी, जिसके पिछले रिकॉर्ड सभी टूट गए थे। बीते कई सालों की तुलना में शहर में अधिक अंदर तक बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 26,000 से अधिक लोगों को निकाला गया था। संपत्ति, कारोबार और कमाई के मामलों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। बता दें कि कई राज्यों में तेज बारिश के कारण अधिकांश नदियां उफान पर है। टिहरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। देहरादून में आपदा नियंत्रण कक्ष ने बताया कि प्रदेश में रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग में अलकनंदा, मदाकिंदी और गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों तक राहत की संभावना भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन से अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।